पद्मावती अच्छी फिल्म है तो हिट होगी, बुरी है तो फ्लॉप होगी, सिंपल है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज नहीं हो रही है। यह तो फाइनल हो चुका है, लेकिन फिलहाल फिल्म काफी सारे विवादों में फंसा है, जिससे फिल्म के रिलीज पर गंभीर सवाल लग चुका है। बता दें, सेंसर बोर्ड भी फिल्म के निर्माता से खफा है। बहरहाल, जब गोवा में हो रहे आईफी में नाना पाटेकर ने पद्मावती विवाद पर सीधे सटीक शब्दों में कहा, यदि फिल्म अच्छी है तो चलेगी, यदि बुरी है तो फ्लॉप होगी, सिंपल बात है, फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए। काश यह विवाद इतनी आसानी से खत्म हो पाता, लेकिन यहां तो यह हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बता दें, अब तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को बैन ही कर दिया है। उन्होंने कहा, फिल्म भले ही रिलीज हो जाए मगर राज्य में वह प्रदर्शित नहीं होगी। रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में राजपूत समाज से जुड़े प्रतिनिधि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री आवास पर शिवराज से मिले और उनके सामने अपनी बात रखी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राज्य में फिल्म पद्मावती किसी भी हालत में प्रदर्शित नहीं होगी।